Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका तो सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया, नहीं प्रकट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जो है ब्लैक जैंगो, यानी इसकी जो विंग्स हैं ये बहुत पावरफुल है. ये होममेड काइट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मस्त पतंग है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि इस पतंग को अभी हम लोग ट्रायल करके रख दे रहे हैं. जस्ट अभी अभी बनाया है तो इसको हम ट्रायल कर लेते हैं और ट्रायल करके रख देते हैं, लेकिन हम लड़ाएंगे दूसरा. तो जो पहला और दूसरा पेज लड़ाएंगे वो दूसरे पतंग से लड़ाएंगे, और फिर अगर वो कट जाएगी तो फिर हम इसको उड़ाएंगे. तो चलो जैंगो जाओ. फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा दिखने में बुढ़ा बाबा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी बुढ़ा बाबा नहीं है. ये पतंग का फरमा ही अलग है, और ये जो डिज़ाइन है ये मैंने अपना खुद बनाया है. ये किसी की कॉपी की हुई डिज़ाइन नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं. तो इसका लेफ़्ट चक्कर सही है, लेफ़्ट चक्कर बिल्कुल सही है. अब राइट चक्कर भी चेक कर लेता हूँ. राइट चक्कर भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम फ्रेंड्स एक्यूरेट है. खींच के देखता हूँ, स्पीड तो सुपर है. गद्दा मार के देखता हूँ. फ्रेंड्स, जैंगो परफेक्ट है. अभी दूसरा पतंग उड़ा रहा हूँ. फ्रेंड्स, इस पतंग की भी ट्रायल करता हूँ. सबसे पहला पेच इसी पतंग से लड़ाऊंगा, इसके बाद एक और पतंग उड़ाएंगे. फ्रेंड्स, अगर ये दोनों पतंग कट जाएगी फिर हम जैंगो को निकालेंगे. इसको भी हम चेक कर लेते हैं कैसा है, ठीक है कि नहीं है. ठीक है, ठीक है. राइट चक्कर ठीक है, लेफ्ट चक्कर भी ठीक है. तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फटाफट हम मांझे से उड़ाते हैं और शुरू करते हैं काइट फाइटिंग. तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी पतंग और ये गई. फ्रेंड्स, अब कैमरामैन जो है आपको DSLR से दिखाएगा. फ्रेंड्स, सद्दी मंजे की गीड़ बादली, और ये आगे जो है 6 नंबर की सद्दी है और पीछे 3 नंबर की सद्दी है, और ये देखिए जाना शुरू हो गया. चलिए अब कैमरामैन जो है आपको DSLR से दिखाएगा. फ्रेंड्स देखिए, लड़ने जा रहा है और मेरी पतंग जो ये बाहर की चक्कर ले रही है. तो ये मेरी पतंग है और मैं नीचे चलाऊंगा, ओपोनेंट ऊपर से. ओपोनेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं हूँ राइट हैंड साइड पे. काट दिया फ्रेंड्स, बहुत देखिए जा रही है, लुढ़कती हुई जा रही है. ऊपर चढ़ा के काट दिया, बहुत देखिए फ्रेंड्स जा रही है लुढ़कती फुड़कती. एक मोहल्ले से दूसरे और दूसरे मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले तक पहुंच जाएगी, नागन डांस करती हुई जा रही है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पेज काटा उसमें मैं राइट हैंड साइड पे था, मैं नीचे से घुसा उसके, वो ऊपर पे था फ्रेंड्स. उससे जैसे ही अपनी पतंग डाउन करी मैंने फट से ऊपर चढ़ा दी फ्रेंड्स. उसका गद्दा मारने की जो जगह थी ना वो ख़त्म कर दी मैंने, और उसकी पतंग जैसे ही उसने थोड़ा सा डाउन किया और डॉट टच होते ही कट करके निकल गई फ्रेंड्स. ये था पेज. फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जिनसे मेरी पतंग लड़ रही है फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे आसपास, सबसे जो है एल्डरली पर्सन मैं हूँ पतंग लड़ाने वालों में से. यहाँ पे एक मेरे से भी ज़्यादा एल्डर थे, वो सरदार जी थे एक, और उनका चांदनी चौक में शॉप था. तो वो US चले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए फ्रेंड्स, और वो अब नहीं लड़ाते. नहीं, उनकी भी पेज बहुत अच्छा था, बहुत दूर लड़ता था उनसे, उनसे तो 1000 मीटर से कम लड़ता ही नहीं था. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी लड़के आप देख रहे हैं ना, सब
यंग है बिल्कुल, और मेरे से आधे उम्र तो छोड़िए, आधे से भी आधे हैं फ्रेंड्स, मतलब 20 21 22 25 साल से लेके मैक्सिमम जो है लड़के यहाँ पे 35 36 साल के हैं, उससे ऊपर के नहीं है जिनसे लड़ रहा है। तो मेरे को अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जब भी मैं उनसे पतंग लड़ा पा रहा हूँ तो मैं अपने फिटनेस के लिए क्या करता हूँ, तो आप वीडियो में देखिए। तो फ्रेंड्स मेरे को इन यंग लड़कों से पतंग लड़ाने के लिए फ्रेंड्स मेरे के अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारा पावर का पेच लड़ता है। जितने भी यंग लड़के हैं कोई भी लूज पेच नहीं लड़ता है, नहीं कोई ढीलम ढाल का पेच नहीं लड़ता, बहुत कम लड़ता है, और बहुत पावर और बहुत ब्रेन लगता है फ्रेंड्स इसके अंदर। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो भी आपने वीडियो देखा ना, ये सब सुबह मेरा 1 घंटा 20 मिनट का फ्रेंड रोज का एक्सरसाइज वगैरह, जॉगिंग रनिंग योगा मेडिटेशन सब रहता है, तब जा करके मैं इनसे पतंग लड़ा पाता हूँ, अदरवाइज़ तो ये मेरे को धो डाले। अभी जो लड़ाई होती है इनकी, मेरी लोगों के 50-50% चांसेस रहते हैं, मैं उनका भी काटता हूँ, वो भी मेरे काटते हैं, लेकिन अगर मैंने ये सब करना बंद कर दिया ना, योगा वगैरह या जॉगिंग रनिंग करना बंद कर दिया ना, तो मेरी 100% कटेगी फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ, फिटनेस की वजह से मैं इनको काट रहा हूँ, और फिटनेस की वजह से ही मैं पतंग उड़ाता हूँ, फिटनेस के लिए उड़ाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और ये जो डाउन हुई ना, ये मेरी पतंग है तोक, इससे पिछला पेच काटा था अभी, और ये लखनऊ के चुन्नी लाल का पतंग है फ्रेंड्स, काफ़ी फेमस कारीगर है लखनऊ के। ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स, अभी पूरा नहीं हुआ, अब पूरा हो गया ऊपर नीचे। ओ यार कट गया फ्रेंड्स, कट गया पतंग, बहुत अच्छा पेच काट दिया उसने, पूरा गद्दा नहीं मारा इस बार। वो देखिए मेरी पतंग जा रही है, बहुत अच्छी पतंग कटी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया पतंग था मेरा। फ्रेंड्स मेरी बहुत बेहतरीन पतंग कट गई फ्रेंड्स, लखनऊ की बहुत ही बढ़िया पतंग कट गया। तो खैर कोई बात नहीं, पतंग तो काटने के लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स इस पेच में क्या हुआ, अगेन मैं नीचे से घुसा फ्रेंड्स, और अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा था फ्रेंड्स, उसका पतंग का मुड्डा बन गया, वो फ्रेंड्स क्या हुआ, ऐसे उसने गद्दा मारा, तो मैंने सोचा वो पूरा गद्दा मारेगा, मैंने फ्रेंड्स चढ़ाने की कोशिश करी तो, लेकिन फ्रेंड्स वो भी रुक गया, और रुक करके उसने ऐसा करके ना डोर मारी है, लाइक दिस ये डोर मारी है, तो मेरी पतंग कट गई, बढ़िया पेच था फ्रेंड्स। अब हम लोग इस पतंग को उड़ा रहे हैं, ये भी लखनऊ का है फ्रेंड्स, वो चुन्नी लाल जी का पतंग था लखनऊ का, और ये है केके, आप देखिए ये रेड कलर से मोहर लगा हुआ है केके, बहुत ही अच्छा पतंग है फ्रेंड्स ये भी लखनऊ की। तो खैर सारी पतंग ही अच्छा है, ईस्ट और वेस्ट लखनऊ इज़ दी बेस्ट, उसमें कोई दोहरा वाली बात ही नहीं है, जितने अच्छे वहाँ के प्लेयर्स हैं उतने ही अच्छे पतंग, बस लखनऊ में मांझा नहीं बनता फ्रेंड्स, नहीं तो गजब ढा देते लखनऊ वाले। चलो DSLR निकाल करके दिखाओ अब। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और नीचे वाली पतंग मेरी है, मैं हूँ राइट हैंड साइड पे, ओपोनेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे। हो गया फ्रेंड्स ऊपर नीचे,
वो गई फ्रेंड्स, लुढ़का दिया उसको। वो देखिए इस बार फिर वही पेच करने के चक्कर में था, फिर वो डोर मारने के चक्कर में था फ्रेंड्स, लेकिन डोर टिका दिया मैंने और उसकी जा रही है देखिए लुढ़कती हुई। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये पेच मैंने कैसे काटा है। फ्रेंड्स मैं उसके अंदर घुसा पहले, तो क्या हुआ कि उसने डाउन की अपनी पतंग, मैं थोड़ा सा बाहर निकला, उसने सोचा मैं खींचूंगा, लेकिन उसने फिर वही चालाकी करी, उसने फिर ऐसे करके डोर मारने के चक्कर में नीचे डाउन किया और मैंने थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया। यानी मैंने अपने पतंग के कन्ने के पास से तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट आप उसको कह सकते हैं गर्दन के पास से मैंने उसकी पतंग को टांग लिया, और टांगने से क्या हुआ कि दो चार चक्कर पर ही उसकी पतंग लुढ़क गई फ्रेंड्स। और ये लखनऊ की केके की पतंग है, बहुत अच्छी पतंग है, लखनऊ की सारी पतंग ही अच्छी होती है फ्रेंड्स, मैं तो दीवाना हूँ लेकिन मेरे को मिलता नहीं, मैं क्या करूँ। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है, और ये जो डाउन किया ये मेरी पतंग है और मेरी पतंग तोक है, ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड पे, ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स। अरे यार फिर से कट गई फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा खींच के ले गया वो। बहुत बढ़िया पेच काट दिया फ्रेंड्स उसने। फ्रेंड्स अब हम लोग इसको लड़ा रहे हैं और इसको उड़ा करके लड़ाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं पहले ही कि ये पतंग बिल्कुल ताजी है, एकदम ताजी पतंग लड़ती नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं। मेरी अभी जो ये पतंग कटी है फ्रेंड्स बहुत अच्छी पतंग कट गई, और एक पेच काटा था, काटने के बाद फिर कट गई। तो फ्रेंड्स इसमें जो ओपोनेंट था टेपर खींच करके ले गया, बहुत ही बढ़िया पेच लड़ाया। यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छा लड़ाते हैं फ्रेंड्स, मेरे अलावा सारे ही बेस्ट हैं, क्योंकि रेगुलर ये लोग क्लब वगैरह में जाते रहते हैं, मैदान में जाते रहते हैं, तो फ्रेंड्स उनका पेच ओबियसली अच्छा ही होगा। लेकिन एक बात बता दूं फ्रेंड्स, आपने इस तरह की पतंग किसी को भी लड़ाते हुए नहीं देखा होगा काइट राइडिंग, क्योंकि ये इस तरह की पतंग सिर्फ हमारे पास ही बनती है, हम खुद बनाते हैं, खुद डिज़ाइनिंग करते हैं, खुद लड़ाते रहते हैं। चलो अब DSLR निकाल लो, उससे दिखाओ। अरे यार फिर से कट गया फ्रेंड्स, ये भी कट गया। बहुत अच्छी पतंग कट गई ये भी, और डिफरेंट एकदम। फ्रेंड्स ये पेज भी उसने बहुत अच्छा काट दिया फ्रेंड्स, उसने ऐसे करके गद्दा मारा और गद्दा मार करके अपने पतंग का मुंह ऊपर कर लिया आसमान की तरफ, और वहीं पर थपकी मारी, और मैंने दो हाथ जैसे ही खींचा फ्रेंड्स डोर लग गई और कट गई। ये भी होममेड काइट था फ्रेंड्स, लेकिन बहुत अच्छा था। और अब हम लोग जो है मुरादाबाद की पतंग उड़ा रहे हैं वसीम की, और इसमें मांझा जो पहले का बचा हुआ है वो लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि शायद ये लास्ट पेज लड़े।
इसलिए जो है फ्रेश मांझा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चरखी के अंदर काफ़ी सारा मांझा बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। कम से कम इसमें 400 मीटर होगा, तो इसमें से 200 मीटर लगा लेंगे फ्रेंड्स, बाकी बच जाएगा वो रख देंगे, दूसरे चरखी से पतंग उड़ाएंगे। तो चलिए अब DSLR निकालिए। देखिए फ्रेंड फिर से लड़ने जा रहा है, और अभी ऊपर नीचे हुआ नहीं है, अब हो गया ऊपर नीचे। अरे यार फिर कट गया, फिर से कट गया। फ्रेंड्स बहुत अच्छा पेच काट दिया फिर से उसने, बहुत बढ़िया थपकी मार रहा है फ्रेंड्स, झटके मार के काट रहा है। खैर कोई बात नहीं, आज हमारा फिर से स्कोर डाउन हो गया, और अभी दो दिन पहले जो लड़ा था फ्रेंड्स उसमें जो स्कोर बराबर हो गया था, मेरे को लग रहा था शायद मैं एक दो पेच से कट गया, लेकिन जब बाद में शाम को काउंटिंग हुई तो पता चला कि स्कोर बराबर हो गया था, लेकिन फ्रेंड्स आज डाउन हो गया। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्दी हम आपको अगली वीडियो मिले, तब तक के लिए बाय।